पुलिस बंदोबस्त, तो ये सब चीज मेंटली अपसेट करती है। बट एक बात का यकीन था कि जिस दिन पठान लगेगी, और पठान के लिए सब समझे के बाद, और चार साल के बाद शाहरुख का कमबैक, स्पेशल अपीयरेंस इसमें सलमान का भी है, दीपिका पादुकोण है, ट्रैफिक जो कुछ बातें ऐसी उड़ी थी कि भाई सब प्रोड्यूसर से ऐसा प्रोड्यूसर हमारी संस्कृति में नहीं होना चाहिए, कुछ स्ट्रीम हो गए ऐसी, और पिक्चर अभी 2 घंटा 26 मिनट की है। आपके जरिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, अभी ये पिक्चर नीट एंड क्लीन है, आइए और देखिए, और OTT का इंतजार ना करें, जो 2 महीने के बाद आप देखोगे, आप बड़े स्क्रीन पे देखिए और उसकी मजा कुछ और है। चलो नहीं, अब 4 साल बाद जो है, जो भी बॉलीवुड का अभी डाउनफॉल चल रहा था, पठान फिल्म से मैंने देखा है कि अब फिर से ऊपर आएगा, और पहले भी 90s में भी काफी बॉलीवुड को झटका लगा था, तब शाहरुख जी आए थे और वहां से फिर 30 साल लगातार फिल्में सुपर सुपर हिट दी है और बम्पर हिट दी है, बॉलीवुड का एक मुकाम बनाया पूरे वर्ल्ड में, और आज की डेट में अब मुझे ये लग रहा है कि पठान फिल्म से इसकी शुरुआत हो गई, और अभी तो बैक टू बैक शाहरुख जी की कई सारी फिल्में आने वाली हैं, और मराठा मंदिर जो कि इतना सालों से आपने देखा फिल्म को डेडिकेट रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी अच्छी अच्छी फिल्में चल चुकी हैं, और हमारे साथ जो है एक मारू मिर्जा सर है जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई है, और मासूक, सलामी, लव स्टोरी, कस्मे वादे, अमिताभ बच्चन से लेके सभी के साथ काम किया है, तो ऐसे बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद हमारे फैंस हमें मिलता है, हमें स्पेशली बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल बेटे के तरीके से मानते हैं, और मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल है मनोज देसाई सर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, क्योंकि हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है, जब जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है, और यहाँ का प्यार, यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे सभी के साथ में, और मैंने भी किसी GT गैलेक्सी या किसी भी मॉल में टिकट नहीं बुक किया, ना ही वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा, मराठा मंदिर से मेरा लगाव है, और यहाँ की जो जनता है वो जनता भले 30-40 रुपए में DDLJ देख रही, लेकिन फिल्म की क्रेजी है, फिल्म को बहुत अच्छे से लेती है और अच्छा एंजॉय करती है, तो यहाँ का जो माहौल है वो मुझे बहुत पसंद है, मेरा बचपन भी ऐसे ही बीता है, ऐसे ही मैंने भी फिल्में देखी हैं, तो वो थिएटर का अपना ही मजा है और अपनी ही याद दिलाता है। मिर्जा साहब, आप एक शॉर्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, इसके थ्रू ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं चाहता हूँ, उन्होंने जो जो फिल्में बनाई है काबिले तारीफ। सर सर, हाँ, आप बताइए ना सर, समथिंग अबाउट पठान, लाइक हाउ हैप्पी आर यू? मैं पठान लरीज में बैंड्रा में देख रहा था, तो दो टिकट थे मेरे पास, तो वो मैंने दो टिकट बच्चों को दिए जो स्कूटर से जा रहा है, उसमें और देख सकता है, और मैं सिर्फ शाहरुख खान साहब के लिए आया हूँ, और ये सकीन शाहरुख खान साहब हैं जो उनके बहुत बड़े फैन हैं, और मेरी दुआ है कि इस पठान माशाल्लाह सुपर हिट हो, 2023 की बिगनिंग हमारी बहुत अच्छी है, अजय देवगन ने 2022 बहुत अच्छा क्लोज किया, अब पठान 2023 की ओपनिंग शाहरुख साहब से सुपर बढ़िया, और ये कम से कम 500 crore का बिजनेस इंडिया में करके जाए, एक और बात, मेरा एंट्री का टाइम हो गया, 1000 पब्लिक बार खड़ी है जी, आपसे एक नम्र विनती है हम यहाँ क्लोज करेंगे, क्योंकि उनको अंदर आना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर के फैंस, केरला की तरफ से दूर से आया था, ज्यादा प्रोग्राम शादी के नाम से किया हो, हम बहुत खुश होने वाला हूँ, स्पेशल थैंक्स बोल रहा हूँ जी को, इतना हमको अरेंजमेंट करके दिया, थैंक यू सर, थैंक यू।